आज हम आए हैं आगा खान पैलेस। तो इसका टिकट है, आपको लेना पड़ता है इसका, सॉरी दे विल कॉस्ट 25 रुपीज़ इसका कॉस्ट है पैलेस में आने का। सो अभी हम लोग पैलेस के गेट से एंटर हुए हैं, लेट्स सी यहाँ पर और क्या क्या चीज़ है। आगा खान पैलेस, जिसे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने 1892 पे बनाया था, और इसके बाद इस पैलेस पे महात्मा गांधी को जेल पे रखा गया था, जहाँ पे उनके रूम्स बने हुए हैं अभी भी। और यहाँ पर ही कस्तूरबा गांधी जी, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी हैं, उनका उनकी जो समाधि है वो भी यहाँ पर ही है। पूरा पैलेस है वो टोटल 13 एकड़ में है, 13 एकड़ पे, और जो 7 एकड़ है उस पर ये जो आप देख रहे हैं पैलेस, ये पूरा 7 एकड़ पर फैला हुआ है। बाकी जितना भी एरिया है वहाँ पर गार्डनिंग की गई है, बहुत खूबसूरत, मतलब हर जगह पेड़ लगे हुए हैं और प्लांट्स हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, झाड़ हैं। सो इस तरीके से ये पूरा बिल्डअप किया गया है। उस टाइम पर इसकी जो कॉस्ट थी वो 12 लाख रुपये थी INR में, 1892 में। सो आज के हिसाब से तो ये जो पैलेसेस होते हैं उनका जो कॉस्ट नहीं होता समथिंग $1 बिलियन होता है, सो मे बी इसका कॉस्ट जितना भी हो, बट कॉस्ट मायने नहीं रखती। यहाँ पर जो गांधी जी के द्वारा यूज़ की गई चीज़ें, कस्तूरबा गांधी जी के द्वारा यूज़ की गई स्मृति हमें देखने को मिलती है, वो चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस पैलेस पर। और ओवरऑल पैलेस बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर,
आप लोग यहाँ पर वीकेंड अपना बिता सकते हैं, वन डे होल। आप पहले पैलेस देखिए, इसके बाद गार्डन घूमिए, गार्डन में बैठिए, बातचीत करिए। सो ओवरऑल वन डे का प्लान बना करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यदि आपको जल्दी है, आपको बहुत सारे प्लेसेस घूमने हैं, तो हाँ आपको मिनिमम 1 से 2 घंटा मैक्सिमम लगेगा कि आप इस पैलेस को घूम सकते हैं और गार्डन में घूम सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं और निकल भी सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे स्पेंड करिए। यदि आप पुणे में हैं, यदि आप पुणे आते हैं, तो आगा खान पैलेस ज़रूर आइएगा, बहुत बहुत खूबसूरत है।